वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DSLR सेटिंग से कैसे आप बैकग्राउंड को मैक्सिमम कैसे बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। तीन जो है इम्पोर्टेंट सेटिंग है जिसके मदद से आप बैकग्राउंड को मैक्सिमम ब्लर कर सकते हो। फर्स्ट जो है एपर्चर, आपके जो कैमरा के लेंस का होल जो ओपन होता है वो कितना वाइड ओपन होगा उसको एपर्चर बोलते हैं। जो एपर्चर वैल्यू जितना मिनिमम होगा, वाइड ओपन होगा आपका एपर्चर, उतना ही ज्यादा बैकग्राउंड में ब्लर होगा। ये जो है सेटअप है हमारा प्रोडक्ट फोटोग्राफी शूट होने वाला है। मेरे पास जो है ये जो है किट लेंस है 15-45 mm का किट लेंस, हमें मिनिमम अपर्चर दे रहा है 4.5 ही पॉसिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चलते हैं और शूट करते हैं, देख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से बैकग्राउंड ब्लर हुआ है, एजेस भी जो है क्लियर है। और सेकंड जो है आपका फोकल लेंथ, जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा उससे आपका बैकग्राउंड ब्लर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ को मैं मिनिमम जो है 15 कर लेता हूँ। थर्ड जो है आपके बैकग्राउंड से आपका जो सब्जेक्ट है डिस्टेंस कितना है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका बैकग्राउंड ब्लर नजर आएगा। तो कम डिस्टेंस रखेंगे बैकग्राउंड और प्रोडक्ट के बीच में। और देखते हैं कैसा ब्लर आया। इतना ज्यादा ब्लर नहीं हुआ, ये जैसे आप देख रहे हो पहले वाला जो टेक्सचर थे वॉल के इतना नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्सचर नज़र आ रहे हैं।